नमस्ते दोस्तों, आज बनाने जा रही हूँ मैगी मसाला वाला सब्जी। खाने में इतना टेस्टी लगेगा कि आप बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए मैगी मसाला वाला सब्जी बनाने। गैस पर कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसके बाद हम सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल में सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। तेल गर्म हो गया है, अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा डालेंगे, दो सूखा लाल मिर्चा हम डालेंगे, एक बड़ा तेजपत्ता डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे अदरक डालेंगे। अदरक को कद्दूकस के डाले हैं, अब डालेंगे दो हरा मिर्चा, उसको भी कद्दूकस के डाले हैं। जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, अदरक, हरा मिर्च अच्छे से हम भूनेंगे। भूनने के बाद टमाटर को धो कर बड़े टुकड़ों में हम काट कर अच्छे से पीस लिए हैं। आप कद्दूकस के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे, जब तक तेल छोड़ ना दें तब तक चलाते रहें, जब तक मसाले में फ्लेवर नहीं आ जाता। इसके बाद हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मसाले अच्छी तरह भुना गया है, अब इसके बाद हाथों से आलू को मैश करेंगे। आलू के सब्जी बिहार के लोग बहुत पसंद से खाते हैं। घर में कोई हरा सब्जी ना हो तो झटपट आलू के सब्जी बन जाता है। आलू का भुजिया 2-3 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत आसान लगता है बनाने में, आप लोग भी बनाइएगा, सबको भी खिलाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब आलू भुनने के बाद 1 कप पानी डालेंगे। पानी अपने अनुसार डालिएगा, आपको सूखा पसंद है तो सूखा रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ढककर 1-2 मिनट तक हम पकाएंगे। अब 1-2 मिनट हो गया है और इसके बाद मैगी हम मसाला हम डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 2-3 मिनट तक हम उबालेंगे। सब्जी ग्रेवी भी और गढ़ी भी हो गई है। दोस्तों, मैगी मसाला सब्जी रेडी हो गई है। नवरात्रि के दिन में कई लोगों के घर में लहसुन प्याज खाना बंद हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो आलू की रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाती है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।